ओम शांति। आज है 30 अप्रैल 2021। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सद्गुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही न हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। ओम शांति।